जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या नगर में हो रही है। दोस्तों आज का दिन बहुत बड़ा है पूरे विश्व के लिए। दोस्तों अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की है और यहाँ पर मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। दोस्तों भगवान श्री राम के मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फुट, रुंदी 250 फुट और 161 फुट ऊंची है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम रामलला की मूर्ति है जो श्री राम का दरबार के अंदर है। 5 सभागृह हो गए, यहाँ पर नृत्य रंग सभा प्रार्थना कीर्तन सभागृह का समावेश होगा। मंदिर की चारों ओर स्तंभ और दीवारों पे देवी देवताओं की मूर्तियों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर राम मंदिर परिसर में चारों जगह बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। मंदिर भी देखने में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों एक बार दर्शन करने जरूर जाइएगा अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए। श्री राम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर आया है जहाँ पर 32 जितने सीढ़ियाँ होगी। मंदिर की ओर जाने के लिए दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है जो डायरेक्टली मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में अन्य मंदिर जैसे कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, निषाद राजा, माता शबरी और देवी अहिल्या इनका मंदिर है। राम मंदिर की एक खासियत है दोस्तों, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लोखन का यूज़ किया नहीं है। मंदिर का जो निर्माण है वो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से बनाने में आया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का वापर किया गया है। यहाँ पर जो 21 फुट चबूतरा तैयार किया गया है। मंदिर परिसर में अग्नि सुरक्षा और पानी पुरवठा बीज केंद्र तैयार करने में आया है, स्वतंत्र है। जो राम मंदिर के दर्शन के लिए जो भी भक्तगण जाएंगे वो भी 25,000 भक्तगण एक साथ तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में निर्माण किया गया है यहाँ पर, जिनका भाविक भक्तों का आरोग्य और लॉकर की सुविधा यहाँ पर की गई है। मंदिर परिसर में स्नान गृह, वॉशरूम, वॉश बेसिन आदि व्यवस्था करने में आई है दोस्ती। और श्री राम मंदिर का बांधकाम भारत के पारंपरिक और देशी तंत्र ज्ञान के आधार पर हुआ है। पर्यावरण और जल संरक्षण इस पर सबसे ज़्यादा भाग दिया गया है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हो। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के पीएम हैं उन्होंने किया। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को समर्पित किया राम मंदिर, जो कि 500 साल पुराना मंदिर है और आज तो पूरा देश राममय हो गया है। यहाँ पर दिवाली का जश्न है। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राम मंदिर में जाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द श्री राम मंदिर में जाऊँ और भगवान श्री राम का दर्शन लूँ। आप भी जाना चाहते हो मंदिर का, मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी है। कैसा लगा तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर।